हेलो फ्रेंड्स, बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फाइनल ईयर बीए बीएससी बीकॉम इंग्लिश फाउंडेशन की चैप्टर 6 पर आ गए हैं, जिसका टाइटल है अ सॉन्ग ऑफ कबीर। ये ट्रांसलेटेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यह है लास्ट चैप्टर है। इसी के तहत जो इंग्लिश फाउंडेशन है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। जितने क्वेश्चन थे सभी पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलते हैं आज सॉन्ग ऑफ कबीर पर देखते हैं। सिंपल सा चैप्टर है ये। पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसके ट्रू और फॉल्स। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज मस्ट टू नो द कास्ट ऑफ अ सेंट। हमें सिर्फ देखिए, ये जो लेसन है ना, ये इस पर बना है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इसको ध्यान में रखे रहिएगा। तो पहला है, एक संत की जाति मालूम करना जरूरी है? तो बिल्कुल भी नहीं है जरूरी, क्योंकि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, ना कि किसी व्यक्ति की जाति क्या है। सेकेंड, द पोएट पॉइंट्स टू 36 कार्ड्स। कभी 36 जातियों की ओर इंगित करता है, ये ट्रू है। द वॉशरवुमैन हैज नॉट सॉट गॉड, धोबी की स्त्री ने ईश्वर को नहीं प्राप्त किया, फॉल्स है। द एंड्स ऑफ हिंदूस एंड मुस्लिम्स स्टैंड सिमिलर, हिंदू और मुस्लिमों का उद्देश्य समान है, सत्य। और द ऋषि सोपच बाज अ टेनर बाय कास्ट, ऋषि सोपच जो चर्मकार जाति के थे, ये भी ट्रू है। ये नहीं आते हैं ज़्यादातर, क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कंसीडर इट नीडलेस टू आस्क द कास्ट ऑफ अ सेंट। कभी साधु की जाति का विचार करना क्यों अनावश्यक समझता है, कभी क्यों मानता है कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए? तो देखिए, एज ऑल सेंट्स आर सीकर्स ऑफ गॉड, सभी जो साधु हैं वो किसकी खोज कर, सीकर, खोज करना, गॉड मतलब ईश्वर। सभी जो साधु हैं वो ईश्वर की खोज कर रहे हैं। इट इज अननेसेसरी टू कंसीडर द कास्ट ऑफ अ सेंट, इसलिए उनकी जाति से कोई जाति का विचार करना अनावश्यक है, क्योंकि चाहे कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जाति का हो, जब वो सभी का एक ही कार्य है कि ईश्वर की खोज, तो उनकी जाति पूछने निरर्थक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन टू अ सीकर्स ऑफ गॉड, ईश्वर की खोज से क्या तात्पर्य है? सीकर्स ऑफ गॉड मीन्स द ट्रू डिवोटीज। डिवोटी मतलब होता है भक्त, ट्रू मतलब सच्चे भक्त। ट्रू डिवोटीज ऑफ गॉड हु डिवोट देयर होल लिव्स इन सर्विस ऑफ गॉड। ईश्वर की खोज करने वाले का अर्थ है ईश्वर के सच्चे भक्त, ट्रू डिवोटी, जो अपना जीवन ईश्वर की सेवा में लगा देते हैं। ट्रू डिवोटीज ऑफ गॉड हु डिवोट, डिवोट मतलब लगा देना, देयर होल लाइफ, अपनी संपूर्ण जीवन इन सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज ऋषि सोपच बाय कास्ट, यह भी आ गया था। ऋषि सोपच कौन सी जाति के थे? वाजा टेनर, टेनर मतलब होता है चर्मकार। तो इतना ही याद रखिए, जो ऋषि सोपच थे वो क्या थे? टेनर थे, चर्मकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉमन इन हिंदू एंड मुस्लिम्स, हिंदुओं तथा मुसलमानों में क्या समान है? हिंदू और मुसलमानों में क्या समान है? बोथ आर द सीकर्स ऑफ गॉड एज देयर एंड्स आर द सेम। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उनका जो अंतिम उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ईश्वर की खोज करना। इसलिए आपस में लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये निरर्थक है, क्योंकि जब आप अंतिम रूप से उसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप कोई रास्ता अपनाएं, लेकिन एक उद्देश्य तो एक ही है कि क्या? ईश्वर की खोज करना। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का क्या संदेश है? सेंट्स कैन बी ऑफ एनी कास्ट, हेंस आस्किंग फॉर देयर कास्ट इज अनलेस एज दे आर ट्रू डिवोटीज ऑफ गॉड।
साधु किसी भी जाति के हों अतः उनकी जाति बाबत पूछना व्यर्थ है क्योंकि सभी ईश्वर के भक्त हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6। इसमें आप इस बात को याद रखिए कि साधु न पूछो जाति की, अरे सॉरी सॉरी जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस लाइन को आप याद रखिएगा, इसी से आपके ये पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा। ऋषि स्वपच को याद रखिए कि वो टेनर थे अर्थात चर्मकार थे, और डिवोटीज का काम क्या है, सीकर्स ऑफ गॉड। बस इन दो तीन चीज़ों को याद रखिए तो ये आपका टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ जो फाइनल ईयर्स फाउंडेशन इंग्लिश था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 100% विश्वास कीजिए पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चनों में से जितने हैं उन्हीं में से आएगा। आप इन्हीं को अच्छे से कर लीजिएगा और थीम को समझिए और कीवर्ड को ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।